नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मजदूर पिछले 10 दिन से सुरंग में फंसे हैं और सुरंग ढहने की वजह से फंसे मजदूरों को निकालने के लिए काफी जद्दोजहद भी करनी पड़ रही है। इसी बीच राहत कर्मी सुरंग में फंसे मजदूरों का एंडोस्कोपिक कैमरे पहुंचाने में सफल रहे हैं और संचार स्थापित करने के लिए पाइपलाइन में खाने के साथ ही एक कैमरा, एक वॉकी टॉकी और दो चार्जर भेजे गए हैं। बताया जा रहा है कि 6 इंच के पाइप को 53 मीटर तक सुरंग में पहुंचा दिया गया है और इसकी मदद से खाना मजदूरों तक पहुंचाया गया है। वही डॉक्टर्स की सलाह पर पहली बार बोतलों में सोयाबीन और खिचड़ी भी भेजी गई है। तो देखिए, ये सुरंग में फंसे मजदूरों की तस्वीरें सामने आ चुकी है और सुरंग के भीतर सभी मजदूर जो फंसे हुए हैं वो फिलहाल स्वस्थ बताए गए हैं और पहली बार की ये तस्वीरें सामने आई है। इस दौरान जो मजदूर फंसे थे उनके पास कैमरा पहुंच गया है, पानी की बॉटल्स भी भेजी गई है और इन बॉटल्स के अंदर खिचड़ी के साथ ही तमाम सामग्री भेजी गई है और साथ ही ये पता लगाने का जो सफल प्रयास था वो भी सफल हो गया है कि फिलहाल जो सभी मजदूर सुरंग के अंदर फंसे हैं वो स्वस्थ हैं। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना सासनी गेट क्षेत्र की गौशाला में श्रद्धालुओं ने गाय की पूजा कर गोपाष्टमी का त्यौहार मनाया। बताया जा रहा है कि श्रद्धालुओं ने गौशाला में गाय को चारा खिलाकर और घी के दीपक से गाय की आरती उतारकर पूजा अर्चना की। साथ ही इस पर्व पर गौशाला में मथुरा से आए कलाकारों ने गाय और कृष्ण के बीच का प्रेम बताते हुए नाटक का मंचन किया, जिससे गाय का महत्व श्रद्धालुओं को समझा सके। इस मौके पर शहर के सभी जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। यूपी सरकार के हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बैन करने के बाद एफएसडीए की टीम लगातार दुकान और शॉपिंग मॉल में चेकिंग कर रही है। दरअसल हलाल प्रोडक्ट को सरकार ने बैन कर दिया है, लिहाजा बाजार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ना बिक सके, इसको लेकर एफएसडीए की टीम ने शहर में कई शॉपिंग मॉल और दुकानों में छापेमारी की है। इस दौरान खाद्य विभाग की टीम ने कोल्ड ड्रिंक, ड्राई फ्रूट समेत तमाम प्रोडक्ट चेक भी किए हैं। हालांकि इस दौरान खाद्य विभाग की टीम को कोई भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट नहीं मिला। फिलहाल हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बाजार में ना बिक सके, इसको लेकर सरकार के निर्देश को अमली जामा पहनाने में खाद्य विभाग अब पूरी तरीके से जुट गया है। हलाल प्रमाणन को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बैन कर दिया गया है। उसी के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा औसत प्रशासन विभाग हरदोई लगातार पूरे जनपद में विभिन्न खाद्य दुकानदारों के पास कार्रवाई कर रही है, उन पर छापे मार करके हलाल प्रोडक्ट की जांच कर रही है। अभी तक कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला नहीं है। किन किन चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ कहाँ? हम लोग खाद्य उत्पाद और डेट्स हुए, विभिन्न प्रकार के किराने हुए, उनकी जांच कर रहे हैं, उन्हीं में संभावना थी लेकिन कोई ऐसा प्रोडक्ट मिला नहीं है। अगली खबर बहराइच से है, जहां नानपारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों ने हॉस्पिटल में जमकर उत्पात मचाया और दबंगों ने पीड़ित पक्ष पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने दबंगों को हिरासत में ले लिया है और मामले की जाँच शुरू कर दी है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां जगतपुर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की वारदात सामने आई है, जहां किशोरी की मां ने आरोप लगाते हुए बताया कि गांव की ही रिश्तेदारी की एक उसकी बहन है, जिसने देर रात नाबालिग को अपने घर बुलाया, जहां उसका भाई जो घात लगाकर बैठा था उसने बेटी को अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया, जिसके बाद नाबालिग ने पूरी घटना की जानकारी बताई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर खानापूर्ति कर ली है। वह दुष्कर्म पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक और डीएम से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई है। अब अगली खबर औरैया से है, जहां बिधूना नगर के फीडर रोड पर एक कपड़े की दुकान में देर रात अज्ञात कारणों से आग लग गई, जहां आग की जानकारी होने पर पुलिस ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी और घटनास्थल दो फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन तब तक दुकान में लाखों का सामान जलकर राख हो गया था। वही फायर ब्रिगेड के अधिकारी के मुताबिक आग किन कारणों से लगी है इसकी जाँच की जा रही है। कलेक्शन बिधूना में आग लगने की सूचना प्राप्त हुई, तत्काल फायर स्टेशन बिधूना से फायर टेंडर मूव किया गया और औरैया से मैं स्वयं क्रू के साथ यहां पे आया। तो आग यहां पे सीडू जींस कलेक्शन में एक दुकान है, उसमें लगी हुई कपड़े की दुकान थी।
किस कारणों से बताया जा रहा है? आग का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत होता है, ये तो जांच का विषय है, जांच के बाद कुछ कहना चाहिए। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र में एक युवक ने वृद्ध महिला के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि देर रात जब महिला पति को खाना देने दूसरे गांव स्थित घर पर जा रही थी, इसी दौरान एक युवक ने उसे जबरन खेत में खींचकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी वृद्ध महिला के पति के साथ साथ पुलिस को दी, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित महिला की तहरीर पर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। इस मामले में आए हम साहब, ये कौसबा कौड़ीगंज की ये बुढ़िया है 60-65 साल की, ये रोजाना ये शहर जाती है, मजदूरी करती है, बाहर के रहने वाले हैं, और ये खाना लेके अपने पति के लिए जा रही थी। तो रास्ता में ही हम मतलब कस्बा कौड़ीगंज का मोहल्ला खिन्नी वाले का वार्ड नंबर 4 से जितेंद्र उर्फ जीता, इन्होंने इसको मतलब रास्ता में पकड़ लिया और बुढ़िया को, और इसके संग बलात्कार करने की कोशिश की, बलात्कार किया या जैसे इन बुढ़िया मार में कह रही हैं, मतलब कपड़े फाड़ दिए, खेत में गेल नहीं बताते हैं और रब्बी में खींच लेगा, और ये कह रहा है कि मैं सारी रात तुझे यहीं रखूंगा खेत में ही। यूं तो महिलाओं की सुरक्षा के दावे और वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन यूपी का कौशाम्बी जिला एक बार फिर शर्मसार हुआ है, जहां कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां मुकदमे में सुलह नहीं करने पर बेखौफ आरोपियों ने रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बताया जा रहा है कि शारदीय नवरात्रि से पहले ही आरोपी जमानत पर जेल से रिहा होकर घर आया था, जिसके बाद से आरोपी लगातार पीड़िता पर मुकदमे में सुलह करने का दबाव भी बना रहा था, और जब पीड़िता ने सुलह करने से साफ तौर पर मना कर दिया तो आरोपियों ने कुल्हाड़ी से काटकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने परिजनों के तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई है। थाना महेवा घाट के डेरहा गाँव में आज एक ही बिरादरी के दो पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश और मुकदमेबाजी को लेकर के आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के एक 20 वर्षीय युवती पर धारदार हथियार से हमला किया, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। फिलहाल इसमें महेवा घाट पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो देखिए, कौशाम्बी में रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी गई है। दरअसल लगातार आरोपी पीड़ित पक्ष पर मुकदमे में सुलह के लिए दबाव बना रहा था, लेकिन जब पीड़ित पक्ष सुलह के लिए नहीं माना, जब पीड़ित पक्ष ने साफ तौर पर इनकार कर दिया कि वो आरोपियों को सजा दिलाएगा, इसके बाद बौखलाए हुए आरोपियों ने रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, और फिर एक बार सवाल खड़ा हो गया यूपी की कानून व्यवस्था पर, महिलाओं की सुरक्षा के उन वादों पर जो लगातार हर एक मन से किए जाते हैं। सार्वजनिक मन से ये दावे और वादे खुलकर किए जाते हैं कि अब यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं। हर एक प्रदेश में ये मिसाल पेश की जाती है कि यूपी की तर्ज पर ही हर एक प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा की जाएगी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब यूपी में ही महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो आखिर हर एक प्रदेश में जाके ऐसा वादा क्यों किया जा रहा है? और कौशाम्बी से जिया इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए जिया, लगातार ऐसी खबरें सामने आती हैं, इन खबरों से लगातार हम रूबरू होते हैं कि महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म हो गया और आरोपियों ने इस कदर बेखौफ होकर एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिससे वो पूरा जिला, वो पूरा शहर शर्मसार हो गया। कुछ ऐसी ही घटना कौशाम्बी से सामने आई, जहां रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। सिलसिलेवार तरीके से जिया, पहले ये पूरी वारदात क्या थी ये बताइए। तो जिया से दोबारा संपर्क स्थापित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन देखिए, रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई है। मुकदमे में जब सुलह नहीं हुई, जब पीड़ित पक्ष ने सुलह करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, उसके बाद बौखलाए हुए अपराधियों ने रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी है। जिया से हमारा संपर्क स्थापित हो गया है। देखिए जिया, लगातार ये
तस्वीरें भी हम देखते हैं, खबरों से हम भी दो चार होते हैं कि किस तरीके से महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। कुछ ऐसी ही खबर कौशाम्बी से है जहां पहले तो बच्चे के साथ दुष्कर्म होता है, फिर दबाव बनाया जाता है और जब पीड़ित पक्ष सुलह के लिए नहीं मानता है तो अब उस बच्चे को मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है, क्या कार्रवाई की तैयारी है पुलिस की? जी बताना चाहूंगा, कौशाम्बी के महेवा घाट थाना क्षेत्र में रेप पीड़िता की हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। मुकदमे में सुलह नहीं करने पर भेदभाव आरोपियों ने रेप पीड़िता की कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक महेवा घाट थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती ने मई 2022 में पड़ोसी पवन कुमार पर रेप का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया जाता है कि शारदीय नवरात्रि से पहले ही आरोपी जेल से जमानत पर रिहा होकर घर आया था, जिसके बाद से पीड़िता व उसके परिवार जनों पर लगातार सुलह समझौता का दबाव बनाया जा रहा था। सुलह नहीं करने पर गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी दी जाती थी। सोमवार की शाम अपने भाभी के साथ पीड़िता इसी बात की शिकायत कर थाने से लौट रही थी। घर के सामने गाँव की मुख्य सड़क पर पहले से घात लगा कर बैठे आरोपी पवन कुमार और उसके भाई अशोक ने पीड़ित युवती के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिया, एक बड़ा और अहम सवाल यह है कि लगातार जो रेप पीड़िता है और उसके परिवार को ये जो आरोपी है लगातार धमकी दे रहे थे, आखिर पुलिस हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठी रही? धमकी की शिकायत कर थाने से लौट रही पीड़िता पर ही जो है आरोपी पवन कुमार और उसके भाई अशोक ने युवती के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। खून से लथपथ पीड़िता गिर पड़ी तो हमलावरों ने उसके भाभी के सामने ही सिर पर लगभग 6 बार ताबड़तोड़ 6 वार किए। इसके बाद कुनबे के साथ घर में ताला बंद करके मौके से फरार हो गया। अगर इस मामले में पुलिस ने पहले संज्ञान लिया होता, शिकायत को गंभीरता से लिया होता तो शायद ये घटना न घटती। देखिए जिया, आरोपी तो फरार हो गए हैं जैसा कि आपने जिक्र किया, लेकिन अब उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस क्या कर रही है, क्योंकि ये बड़ी घटना है, ये कानून व्यवस्था पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है ये घटना। जी, इस सनसनीखेज वारदात की जानकारी पाकर एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव फील्ड यूनिट व कई थानों की फोर्स के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। छानबीन के बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एसपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर रवाना कर दिया है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद जी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगली खबर मैनपुरी से है जहां साइबर सेल और थाना बेबर पुलिस ने बैंकों से चेक चोरी करके फर्जी भुगतान लेने वाले अंतर्राज्यीय गैंग के 7 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और अभियुक्तों के पास से कार, 2 लाख रुपए नकद बरामद किए हैं। वही पकड़े गए अभियुक्तों का कई राज्यों में आपराधिक इतिहास है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। देखिए, ये शर्वाधार सिंह है, बेबर के रहने वाले। इन्होंने बैंक ऑफ इंडिया में एक 3 लाख का चेक लगाया था, तो वो इनका चेक चोरी हो गया था और बाद में ही पता चला कि ये आगरा कैंट से केनरा बैंक से इसका भुगतान भी हो गया है। तो उन्होंने एक एफआईआर दर्ज कराई, प्रार्थना पत्र दिया था, जिसमें एफआईआर दर्ज कराने के बाद ये हमारी साइबर सेल को इसको जांच के लिए दिया गया और उन्होंने तकनीकी विश्लेषण और सीसीटीवी फुटेज वगैरह से ये पूरे गैंग का पर्दाफाश किया है। इसमें 7 लोग शामिल थे जो सभी पकड़े गए हैं। इसमें जो मुख्य गैंग का सरगना है वो महेंद्र है और इसके साथ पवन, मुकेश, रणवीर, विकास, वीरेंद्र, अनिल, ये सभी को अरेस्ट किया गया है। अब संबल से खबर है जहां बनियारठेर थाना क्षेत्र के गुमथल चौराहे में पुलिस चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने 2 बाइक पर सवार 4 बदमाशों को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायर झोंक दिया, जिसमें 2 बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लग गई है और 2 बदमाश भागने में सफल हो गए। वही मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को पशुवध के उपकरणों और कई अवैध शस्त्रों के साथ गिरफ्तार किया गया है। अब अगली खबर गाजियाबाद से है जहां थाना टीला मोड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। इस दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लग गई है, जिससे बदमाश घायल हो गया और बताया जा रहा है कि बदमाश कुछ दिन पहले हुई प्रमोद उर्फ लालू नाम के व्यक्ति की हत्या में वांछित चल रहा था। दरअसल पुलिस ने थाना टीला मोड़ पर चेकिंग अभियान चलाया था, इसी दौरान पुलिस ने बाइक सवार एक युवक को रोकने का प्रयास किया, लेकिन बाइक सवार बदमाश नहीं रुका और भागने का प्रयास करने लगा, जिसके बाद पुलिस टीम ने बदमाश का पीछा कर फायरिंग कर दी, जिससे अभियुक्त के पैर में गोली लग गई और घायल और बदमाश घायल हो गया।
जिसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वही घायल बदमाश के कब्जे से एक पिस्टल, 3 जिंदा कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। आज दिनांक 20/11/2023 को थाना टेला मोड़ को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त होती है कि मुकदमा अपराध संख्या 611/23 जिसमें प्रमोद उर्फ लालू नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैं वांछित अभियुक्त सचिन पुत्र टेकराम चावली से होते हुए कहीं जो बंथला नहर से भागने की फिराक में, सूचना पर तत्काल थाना टेला मोड़ की फोर्स बंथला नहर पर चेकिंग प्रारंभ करती है। चेकिंग के दौरान एक काले रंग की स्प्लेंडर बाइक आते हुए दिखाई देती है, जिसे रोकने का प्रयास किया जाता है। बाइक रुकती नहीं है तथा भागती तथा पीछा करने पर उसके द्वारा पुलिस टीम पर बैकफायर किया जाता है। पुलिस टीम द्वारा अपना आत्मरक्षा बचाव करते हुए जवाबी फायर किया जाता है, जिसमें वांछित अभियुक्त के बाएँ पैर में गोली लगती है तथा वो घायल हो जाता है। उपचार हेतु इसे हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।